आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे और रोज़ सोच रहे होंगे कि आज क्या खाया जाए। तो मुझे भी रोज़ यही परेशानी होती है कि आज क्या खाया जाए। तो यहाँ पे मैंने आज आपके लिए जो सोचा और अपने लिए सोचा वो था ग्रीन जो बीन्स होती हैं, जिसको हम फलियाँ कहते हैं पाकिस्तान में, ये वो मैं पका रही हूँ आज आपके लिए और वो कीमे के साथ पका रही हूँ। चलिए इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये मेरे पास, ये देखें, ये जो मैंने ये फलियाँ जिसको कहते हैं, ये मैंने इस तरह से ले के काटनी, और जो इसमें से होती हैं सख्त होती हैं और गलने वाली नहीं होती हैं, उनके हम दाने इस तरह से निकाल लेते। तो ये मैंने बना ली हैं, काटनी है और धो के काटिएगा। इनका कीमा, अनियन, टोमेटोज़, जिंजर गार्लिक, रेड चिली, टर्मेरिक, वाइट सॉल्ट, गरम मसाला, क्यूमन रोस्टेड, कोरिएंडर रोस्टेड, ये है ड्राइड मैंगो पाउडर, ग्रीन चिलीज और ऑयल। अब हम इसकी सैम्पलिंग पे आते हैं। ये ऑयल को मैंने गरम कर लिया है, इसमें मैं ये अब फ्राई करूँगी। इसको लाइट गोल्डन करना है, इसको हाई फ्लेम पे कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा गोल्डन होने लग गया 5 मिनट्स के बाद। अब और थोड़ा सा गोल्डन होता है तो फिर इसमें मैं बाकी चीज़ें डालूँ। ये देखें ये हल्का ब्राउन हो गया। अब इसमें मैं ये जिंजर गार्लिक ऐड कर देती हूँ। इसमें जब अरोमा आएगा इनके भुनने का, फिर मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। ऐसा भुन गया, अब इसमें मैं टमाटोस, अब इसको थोड़ी देर नरम करेंगे और फिर इसमें मैं थोड़ा सा वाटर डाल के मिर्च डाल दूँगी। अब इसमें टमाटो सॉफ्ट हो गए, अब मैं इसमें थोड़ा सा वाटर डाल के मसाला भुनने और स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। रेड चिली, सॉल्ट, ऊपर से कवर करके रख देती हूँ। थोड़ी देर कवर करने के बाद, अब जो लिड रिमूव करने के बाद, ये मेरा मसाला जो है वो बहुत अच्छा सा बन चुका है। इसमें आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा सा भुन गया। अब इसमें मैं चिकन मिन्स जो है मेरे पास वो मैं डाल दूँ। अगर आपके पास चिकन का है, बकरे का है, जो भी है, या आपने चिकन डालना है, वो आपकी मर्जी। इसमें चिकन मिन्स मैं इस तरह से मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी। आप इसके ऊपर थोड़ी देर मैं लिड दे देती हूँ और कवर कर देती हूँ। ये मैंने अनकवर किया है, देखें ये अब इसकी ये कंडीशन है। अब जब थोड़ा सा इसको और भुनेंगे और फिर हम इसमें बीन्स डाल देंगे, ग्रीन बीन्स। चिकन मिन्स डालने के बाद 5 से 6 मिनट बाद इसकी, मैंने इसको कवर कर दिया था, फिर बार बार मैं इसको देखती रही और अब इसकी ये शक्ल है। अब ये तकरीबन हाफ कुक हो चुका है। अब इसमें मैं बीन्स डालती हूँ। बीन्स डालने के बाद अब इसमें व्हिप्ड जो मेरे पास योगर्ट था वो मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे, मीडियम लो फ्लेम पे हम लेट से कवर करके रख देंगे और इसी में ये जो है वो कुक होगा, इसमें वाटर नहीं जाएगा। ये 2 मिनट के बाद देखें इसमें से कितना वाटर खुद ही निकला है। अब इसी वाटर में ये जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे और मीडियम लो हीट पे इसको करना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए फलियाँ। 4-5 मिनट के बाद देखें ये फलियों का कलर जो है, ये बीन्स का कलर देखें, ये बिल्कुल पहले ग्रीन था और अब ये सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें जितना भी पानी है, जितनी देर में वो ड्राई होगा उतनी देर में ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें ये ग्रीन जो मेरे पास चिलीज थी वो और आमचूर इसमें ऐड कर देती हूँ। कवर करके रख दिया था आमचूर और वो ग्रीन चिलीज डालने के बाद, अब मैंने इसको अनकवर किया है, लिड को उतार दिया है। तो ये देखें अब इसमें से जो घी है वो तकरीबन बाहर आ चुका है, ये गरम मसाला, कोरिएंडर रोस्टेड, क्यूमन रोस्टेड मैं इसमें डाल रही हूँ और थोड़ा सा लेमन जूस डालूँगी। लेमन जूस 2 टेबल स्पून डाल दी। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब बिल्कुल रेडी है और मैं अब इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए मेरी ये बीन्स
और चिकन मीन्स के साथ ग्रीन बीन्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गई हैं, और ये देखने में बड़ी अच्छी लग रही हैं और खाने में भी इसका टेस्ट अच्छा होगा। ये एक सिंपल सी डिश है जो कि हर घर में बनती है, तो मैंने आज अपने स्टाइल से बनाई है। हर कोई अपने स्टाइल से बनाता है, तो आप मेरे स्टाइल से ट्राई कीजिए और इसको बनाइए, और यकीनन आपको अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह ताला मैं नई नई रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी और अपने अंदाज़ से आपको सिखाती रहूँगी। अगर आपको मेरी आज की भी रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली इसको शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला फिर आपके पास आऊँगी नई डिश लेके। अल्लाह हाफिज़।